हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू व्याख्या ईडियो। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास टेंथ के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के बारे में, जिसमें हम बात करने वाले हैं चैप्टर सेकंड, जो कि है पॉलिनोमियल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बहुपद। राइट, इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से जो है आपको ये चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं या फिर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, आपको ये पूरा जो है चैप्टर इस वीडियो के थ्रू समझ में आ जाएगा आसानी से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो है पार्ट में बनाएंगे, जो कि अभी जो है इस पूरे चैप्टर को समझेंगे हम पहले अच्छी तरह, ठीक है, जिसमें हम फॉर्मूले देखेंगे, एग्जांपल के थ्रू आपको इन सभी के बारे में बताएंगे। जब ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो हम बाद में बनाएंगे, जो कि उसके एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे। राइट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे देखते हैं कितने तरीके के जो है पॉलिनोमियल होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला है लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल को हम कहते हैं रैखिक बहुपद, राइट। सेकंड है क्वाड्रेटिक, जिसे हम कहते हैं द्विघात बहुपद। तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसे हम कहते हैं त्रिघात बहुपद। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, इन सभी पॉलिनोमियल में सिर्फ अलग जो है वो है इसकी डिग्री यानी कि घात। इस पूरी पॉलिनोमियल्स में हम इसे जो पहचानेंगे वो इसकी डिग्री से पहचानेंगे, राइट, यानी कि घात से, जो भी मैक्सिमम घात होगी किसी भी पॉलिनोमियल में, राइट, वही उसकी जो है डिग्री होती है, यानी कि जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल में, वही उसकी क्या होगी, डिग्री होगी, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर आप देखेंगे तो इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ए एक्स की पावर 1 प्लस बी एक्स की पावर 0, क्योंकि ये लीनियर है यानी कि रैखिक है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर जो होगी वो होगी उसकी 1, राइट। तो इसकी डिग्री भी क्या होगी, डिग्री भी होगी इसकी 1। अब क्योंकि आपको पता होगा कि किसी भी पावर, किसी भी संख्या, या जैसे कि यहाँ पे एक्स की पावर 0 है, राइट, तो किसी भी संख्या की या एक्स की पावर 0 होता है तो वो होता है बराबर 1 के। तो इसे रिप्रेजेंट इस तरह करेंगे, ए एक्स, जिसकी पावर नहीं लिखी हुई है उसका मतलब है 1, ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी बराबर 0। तो ये जो है पहला पॉलिनोमियल हो गया, राइट। अब यहां पे सेकंड देखते हैं हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसे हम कहते हैं द्विघातीय बहुपद, राइट। इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ए एक्स की पावर 2, जो कि मैक्सिमम पावर है, यानी कि इस पॉलिनोमियल की जो है डिग्री भी क्या हो जाएगी, 2, राइट। ए एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स की पावर 1 प्लस सी एक्स की पावर 0। यहां देखिएगा, पहले पावर 1 थी रैखिक में, ठीक है, तो वही उसकी डिग्री थी। अब यहां पे जो पावर है वो है 2, मैक्सिमम पावर जो है 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी, वो होगी 2, राइट। और यहाँ पे पावर डिक्रीज होती जाती है, ये ध्यान जरूर रखिएगा, 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, राइट, इस तरह। तो इसे हम दोबारा से रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे, वो करेंगे ए एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स की पावर 1 प्लस सी, राइट, बराबर 0। उसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसे हम कहते हैं त्रिघातीय, यानी कि ए एक्स की पावर 3, राइट, प्लस बी एक्स की पावर 2 प्लस सी एक्स की पावर 1 प्लस डी एक्स की पावर 0। क्योंकि ये त्रिघातीय इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो पावर है वो है इसकी 3, इसलिए इसकी डिग्री भी क्या होगी, 3 होगी, राइट। तो इसमें आपको जो है ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि रैखिक, द्विघातीय और त्रिघात बहुपद क्या होते हैं, राइट, और इसे किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपके एनसीईआरटी में ये टर्म्स यूज हुए हैं, कोफिशेंट, डिग्री, जीरोज, ये आपके पेपर में भी इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, राइट, कि आपको कहा जाएगा कि कोफिशेंट बताओ, डिग्री बताओ या जीरोज बताओ। हिंदी में बताना चाहूंगा कि कोफिशेंट को हम कहते हैं गुणांक, राइट, डिग्री को कहते हैं हम घात, जीरोज को कहते हैं हम शून्य अंक। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, राइट। अब इस एग्जांपल के हिसाब से आप देख के बताइएगा कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैक्सिमम जो पावर है x की वो है 2, राइट, तो x की पावर 2 है, तो यहाँ पे जो है इसकी घात 2 होने के कारण इसकी डिग्री भी क्या होगी, 2 होगी, जो कि है डिग्री जो होती है वो होती है हाईएस्ट पावर, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा पावर है
पूरे पॉलिनोमियल में वही उसकी डिग्री होगी, तो इसकी डिग्री है 2। अब ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, राइट। तो बात करते हैं हम कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। इस पॉलिनोमियल के अंदर हम गुणांक के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है यानी एक्स का गुणांक क्या है, तो यहाँ पे आंसर होगा 7, राइट। गुणांक या कोफिशिएंट वो होता है, जैसे कि मैंने पूछा कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है, वो उसका कोफिशिएंट यानी कि गुणांक होगा। अब यहाँ पे जरूर ध्यान रखेगा इसके साइन का भी, अगर ये मैं बोलता हूँ कि ये माइनस में होता, राइट, ये मैं बोलता कि अगर ये माइनस में होता, बात करता हूँ कि कोफिशिएंट क्या है एक्स का, ठीक है, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट गुणांक हम यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा -7, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा जो हमने आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल बताया वो सभी में यहाँ पे प्लस है पहले से, ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो प्लस में है, अगर माइनस आता है तो ये जो कोफिशिएंट है वो माइनस में है, ठीक है, तो इसलिए जो कोफिशिएंट जो होगा वो माइनस में बोला जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि एक्स स्क्वायर का क्या है कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी गुणांक जो है वो यहाँ पर, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई नहीं है, तो वो होगा 1, राइट। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट यानी गुणांक जो है वो है 1, तो गुणांक समझ में आ गया होगा आपको, यानी कोफिशिएंट किसे कहते हैं, ठीक है, जिसके साथ हम पूछ रहे हैं उसके साथ अगर जो भी संख्या मल्टीप्लाई है, राइट, उसे हम कोफिशिएंट कहेंगे। अब बात करते हैं डिग्री। डिग्री जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है, उस पॉलिनोमियल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम डिग्री बोलेंगे। जैसे त्रिघाती यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वो 3 होती है, तो उसकी डिग्री भी जो होगी 3 होगी। अब इसी एग्जाम्पल में जो है हाईएस्ट पावर जो है वो है 2, तो ये है जो है इसकी डिग्री वो 2 होगी, राइट। इसे हम प्लस कर लेते हैं। अब बात करते हैं जैसे कि इसका कोफिशिएंट, मैं दोबारा से पूछता हूँ कि कोफिशिएंट क्या होगा एक्स का, तो अब जो है कोफिशिएंट जो होगा एक्स का वो हो जाएगा +7, राइट। तो इस तरह अब तीसरा है जीरोज यानी कि शून्यंक। अब शून्यंक यानी कि जीरो, यहाँ पे हम बात करने के लिए इस एग्जाम्पल को लेते हैं जो कि है एक्स स्क्वायर -3x -4। जीरोज जो होते हैं यानी शून्यंक वो वैल्यू होती है एक्स की जिसे पुट करने पे उस पॉलिनोमियल में पूरे पॉलिनोमियल को जो है वो जीरो कर देता है, राइट। समझ में आ गया होगा आपको, जैसे कि यहाँ पे -1 है, हमने -1 पुट किया एक्स की जगह हर जगह, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, तो -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर -3, फिर एक्स की जगह -1 पुट किया तो -1 मल्टीप्लाई हुआ फिर -4। इसे सॉल्व करेंगे -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, राइट, ये 3 जो है प्लस में हो जाएगा, ये -4 में ही है जो वो माइनस में ही रहेगा, तो ये जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, राइट। तो -1 जो है वो इसका एक शून्यंक है। ये जरूर ध्यान रखिएगा शून्यंक की संख्या उतनी ही होती है जितनी उसकी मैक्सिमम पावर होगी, यानी जितनी डिग्री होगी उतने ही शून्यंक होंगे, तो हम कह सकते हैं कि डिग्री बराबर होते हैं जीरोज के, राइट, जितनी डिग्री होगी उतने जीरो होंगे यानी उतने ही शून्यंक होंगे। एक्स की पावर 2 है तो उतने शून्यंक होंगे 2, एक्स की पावर 3 मैक्सिमम डिग्री होगी अगर, ठीक है, तो उतने ही शून्यंक होंगे उसके यानी कि जीरोज होंगे। तो यहाँ पे -1 है और एक है 4, 4 को भी पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो वो इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर देगा, राइट। तो जितनी डिग्री उतने शून्यंक, इस तरह आप इसे ध्यान रखिएगा। शून्यंक का दूसरा तरीका भी है जिसे आप पता कर सकते हैं, जैसे कि पी एक्स यानी कि पॉलिनोमियल एक्स जो है कि शून्यंक उन बिंदुओं के एक्स निर्देशांक होते हैं, राइट, जहां वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ एक्स अंश को प्रतिच्छेद करता है, यानी कि एक्स एक्सिस पे जो जितने बार उसे कट करेगा, ठीक है, उतने उसके जो है शून्यंक होंगे। तो ये जो है हम अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, अभी दो फॉर्मूले और बचे हुए हैं उसे और देख लेते हैं, राइट। तो चलिए और फॉर्मूले जो हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे तो यहाँ पे ये वाले जो फॉर्मूले हैं वो हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि अल्फा और बीटा जो है मान लीजिएगा ये शून्यंक हैं द्विघातीय बहुपद के, ठीक है, ये द्विघातीय बहुपद दिया हुआ है जो कि है ax² + bx
प्लस सी बराबर जीरो। तो इसका हम ये जो फॉर्मूले हैं किस तरह उपयोग करेंगे वो देख लीजिएगा। अल्फा एंड बीटा जो है, जो कि मैंने बताया शून्य अंक है यानी जीरोज हैं, तो उनका जोड़ अगर निकालने के लिए बोलता है, यानी कि शून्य अंकों का जोड़ निकालने के लिए बोलता है, ठीक है, यानी सम ऑफ जीरोज, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो ये है, माइनस ये जो है ये इसके डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जो कि आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, अभी मैं यूज़ करके ही बताऊँगा। और एक ये है, ये वाला जो है इसमें देखेंगे तो यहाँ पे है अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर है माइनस बी डिवाइड बाय ए के, ठीक है, अगर सम ऑफ जीरोज निकालते हैं आप। तो अगर आप शून्य अंकों का गुणा निकालते हैं, यानी कि ये शून्य अंक है अल्फा और बीटा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है, दो है, घात इसकी दो है मैक्सिमम, तो इसकी डिग्री भी क्या होगी, दो होगी। और मैंने बताया था आपको कि जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोज होते हैं, यानी शून्य अंक उतने ही होते हैं, ठीक है, तो इसलिए दो हैं इसके, जो कि हैं अल्फा और बीटा, ये इसके शून्य अंक हो गए। तो शून्य अंकों का जोड़ इस तरह निकालेंगे ये डायरेक्ट फार्मूला लगा के, और उसका गुणा निकालने के लिए सी डिवाइड बाय ए करेंगे। ए बी और सी ये है क्या, वो है ये जो कि कोफिशियंट, मैंने आपको बताया पहले भी, ठीक है, ये क्या है, ये कोफिशियंट है। अब यहाँ पे ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसे हम देखते हैं किस तरह हम निकालेंगे। यह है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन, ये एक द्विघाती बहुपद है यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। इसमें हमें डायरेक्ट निकालना है, दो तरीके होते हैं इसके निकालने के, राइट, या तो सबसे पहले आप इसको इस तरह तोड़ लेंगे, ठीक है, तोड़ने के बाद यहाँ से आप पहले इसके जीरोस निकालेंगे यानी शून्य निकालेंगे, जो कि आएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव, ठीक है, माइनस टू एंड माइनस फाइव इसके शून्य अंक आएंगे, राइट। देन उसके बाद आप इसका जब यूज करके आप इन्हें निकालेंगे तो शून्य अंकों का जोड़ेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस टू, यानी माइनस टू और माइनस फाइव था, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस सेवन आएगा, जो कि इसका जोड़ निकलाएगा माइनस सेवन, राइट। और इन्हीं को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि है माइनस टू और माइनस फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों माइनस में तो प्लस में हो जाएंगे, एंड फाइव मल्टीप्लाई टू करेंगे तो टेन आएगा, तो ये आ जाएगा टेन, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया उनका, पहले डिवाइड करके इस तरह निकालेंगे फैक्टर करके, देन वहाँ से आप जीरो यानी शून्य निकाल लेंगे, फिर उनका जोड़ करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक तरीका यह है। दूसरा तरीका जो है वो है इन दोनों फॉर्मूले को यूज़ करके डायरेक्ट, जो कि है सबसे पहले आपको देखना है यहाँ क्या क्या यूज़ हो रहा है, जो कि ए बी और सी। तो सबसे पहले आप इस पॉलीनोमियल से ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे, जो कि बताया था कि ए वो होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग ए क्या है, जो एक्स स्क्वायर के साथ है मल्टीप्लाई, जो कि यहाँ पे कोई भी मल्टीप्लाई नहीं है संख्या, तो इसलिए ए क्या है, वन। बी जो होता है वो होता है जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई जो है वो क्या है, सेवन। तो यहाँ पे जो बी की वैल्यू है वो है सेवन, सी जो है वो ये अकेला है, जो कि ये अकेला है यहाँ पे, तो सी हो गया टेन। अब इन सभी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, तो अगर जोड़ निकालना है, ठीक है, तो एक्स प्लस बीटा लिखेंगे, माइनस बी डिवाइड बाय ए होता है, माइनस साइन पहले से ये फॉर्मूले में, बी की वैल्यू है सेवन, वो पुट की तो माइनस सेवन डिवाइड बाय वन हो गया, ठीक है, क्योंकि ए हमारा वन था, तो ये हो जाएगा इस तरह। उसके बाद अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, यानी कि शून्य अंकों का मल्टीप्लाई निकालेंगे, यानी कि गुणा निकालेंगे, तो सी डिवाइड बाय ए है, सी क्या है टेन, ए क्या है वन, तो टेन डिवाइड बाय वन, तो ये आएगा टेन, राइट। इस तरह जो है आप इसका निकालेंगे, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का, राइट। ये जो फॉर्मूला है पहला, ये है द्विघाती बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अब बात करते हैं सेकंड, जो कि है त्रिघातीय यानी कि क्यूबिक पॉलीनोमियल का, राइट। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये इस तरह का दिया हुआ है, ए एक्स की पावर थ्री बी ए एक्स की पावर थ्री प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो। तो यहाँ पे तीन तरीके के फॉर्मूले हैं, राइट। यहाँ पे सबसे पहला है ये, क्योंकि ये इसकी हाईएस्ट पावर जो है यानी घात क्या है मैक्सिमम, वो है हाईएस्ट है तीन, ठीक है, तो इसलिए इसकी डिग्री भी क्या होगी, तीन, और जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोज होंगे यानी शून्य अंक होंगे, यानी कि अल्फा बीटा और गामा तीन शून्य अंक होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह निकालेंगे, राइट, अल्फा बीटा प्लस गामा, पहले इनका जोड़ निकालेंगे इस तरह, तो माइनस बी डिवाइड बाय ए। अब यहाँ पे ध्यान जरूर रखना है b क्या हो गया है, अब पहले b हमारा x की पावर 1 के साथ जो था वो b था, अब यहाँ पे b जो है वो है
एक्स की पावर टू के साथ जो मल्टीप्लाई है वो बी है यहाँ पे, ठीक है। ए क्या है जो एक्स की पावर थ्री के साथ है, सी क्या है जो एक्स की पावर वन के साथ है, और डी क्या है जो अकेला होगा यानी बिना एक्स के, राइट। तो ये जरूर ध्यान रखेगा उन दोनों में डिफरेंस ये है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला होगा माइनस बी डिवाइड बाई ए, देन अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका फॉर्मूला होगा सी डिवाइड बाई ए। तीसरा है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा, इन तीनों का गुणा जो है वो है माइनस डी डिवाइड बाई ए, राइट। ध्यान याद करने का तरीका ये है, नीचे दोनों में ही ए आता है, सब में जो है नीचे क्या है ए है, ऊपर बस चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, तो वो ध्यान जरूर रखिएगा। अब इसके लिए मैं एग्जांपल आपको सॉल्व करने के लिए खुद देता हूँ, जो कि है एनसीईआरटी का एग्जांपल 5। इसे आप देखिएगा और वहाँ से चेक कीजिएगा किस तरह किया है, ठीक है। तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बताने की। इसका लास्ट फार्मूला जो है इस चैप्टर में वो है डिवीजन एल्गोरिथम, जिसमें जो है ये आपको यूज़ करना है, राइट, पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे है डिविडेंट बराबर डिवीजन मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, जिसे हम ऐसे दिखा सकते हैं पी एक्स बराबर जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स। आपने इस तरह डिवाइड तो पहले किया होगा, ठीक है, आपने और भी क्लासेस में या इस तरह आपको डिवीजन करना आता होगा। इसकी सहायता से आप यहाँ पे जो संख्या रखते हैं उसे हम कहते हैं डिवीजन, जो यहाँ अंदर होती है वो होती है डिविडेंट, कोशेंट जो होता है जो बाहर यहाँ पे होता है, ठीक है, और जो रिमाइंडर होता है जो बच जाता है, राइट। तो ये जो है आपका पूरा चैप्टर का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हो गया है, राइट, फॉर्मूले के साथ। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में एक एग्जांपल से, एक एक करके एग्जांपल से इस टॉपिक को समझेंगे, और एनसीईआरटी के ही एग्जांपल हम लेंगे, ठीक है, कहीं बाहर से नहीं लेंगे, जिससे कि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। एनसीईआरटी के सबसे पहले हम सारे एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल जितने जितने होते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही हम उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप जो है उसके उस वीडियो को देख सकते हैं। क्लास टेंथ की प्लेलिस्ट का भी वीडियो के नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप सारे जो भी और चैप्टर्स की वीडियो हैं क्लास टेंथ की मैथमेटिक्स की वो आप देख सकते हैं, साइंस की या और भी सब्जेक्ट की, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, जैसे कि और भी वीडियोज़ जो हैं आपको मिलती रहें।